नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं शमशीर आलम और आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट। इस वक्त हम आपके सामने कुछ बड़े फैसलों को विस्तार में बताने आए हैं। हम आपको बता दें कि इस वक्त देश में बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, चाहे वो राफेल का हो, चाहे वो राम मंदिर के निर्माण का हो या फिर कोई भी हो। इसी बीच छात्रों के लिए एक भी बड़ा फैसला आया है। अब छात्रों के लिए क्या बड़ा फैसला हो सकता है भाई, उनके एजुकेशन पर ही कुछ होगा। तो नई शिक्षा नीति जो अभी आई है उसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जिस नई शिक्षा नीति की घोषणा की है उसका संपूर्ण विश्लेषण, अगर आप छात्र के माता पिता हैं तो आपको ये सारी जानकारियां बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। और अगर आप चाहें तो कमेंट में अपनी राय बता सकते हैं। अब आपको बड़े बड़े बदलाव बताते हैं। अब तक भारत की शिक्षा व्यवस्था 10+2 के फॉर्मेट पर चलती थी, लेकिन अब इसे 5+3+4 के फॉर्मेट में बदल दिया गया है। इसके पहले 5 वर्षों की पढ़ाई फाउंडेशन स्टेज मानी जाएगी। इस दौरान छात्रों के लिए मजबूत नींव तैयार की जाएगी। इसका करिकुलम एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया जाएगा। प्री प्राइमरी के 3 वर्ष और पहली और दूसरी कक्षा का 1-1 वर्ष शामिल होगा, यानी प्री प्राइमरी के 3 साल और पहली और दूसरी कक्षा के 2 साल। इसके तहत बच्चों को खेल कूद और अलग अलग गतिविधियों के जरिए पढ़ाई कराई जाएगी। इन कक्षाओं के छात्रों के लिए किताबों का बोझ इतना नहीं होगा, इसलिए हम कहेंगे कि छोटे बच्चे अब स्कूलों में जाएंगे और अपने शिक्षा की यात्रा को आरंभ करेंगे, तो बहुत ही किस्मत वाले हैं। इसके बाद अगले साल यानी 3री कक्षा 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई के दौरान छात्रों को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। छात्रों का परिचय सामाजिक विज्ञान ह्यूमैनिटीज विषय से करवाया जाएगा। इसके अगले 3 साल मिडिल स्टेज माना जाएगा। कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के छात्र शामिल होंगे इसमें। छात्रों को तय पाठ पढ़ाया जाएगा और इसके बाद 9वीं से 12वीं कक्षा तक के स्तर में 3-4 वर्षों वाली आखिरी स्टेज होगी। ये 4 साल की चाहिए। इसमें छात्रों के किसी भी विषय के प्रति गहरी समझ पैदा की जाएगी, उनकी विश्लेषण क्षमता को बढ़ाया जाएगा और उनके जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब स्कूलों में पहले जैसा स्ट्रीम सिस्टम नहीं रहेगा। स्ट्रीम सिस्टम का अर्थ आप समझ ही सकते हैं, ये जो पहले जैसा स्ट्रीम सिस्टम में रहता था कि जो आर्ट्स का छात्र है वो साइंस नहीं पढ़ेगा, लेकिन अब ये खत्म हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोकल भाषा की ओर, तो लोकल भाषा में पढ़ाई कर पाएंगे। उदाहरण के लिए अगर आप 5वीं कक्षा तक अपने बच्चों को मराठी, संस्कृत या गुजराती भाषा में पढ़ाना चाहते हैं, अब आप ऐसा कर पाएंगे, पर अंग्रेजी सिर्फ एक विषय के तौर पर आपको पढ़ाई जाएगी। सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि अंग्रेजी जो देश में ज्यादा स्तर से बढ़ी थी और जिसे बहुत ज्यादा कहा जाता था कि ये एक तरह से वहां पर लोग इसमें घुल मिल नहीं पा रहे हैं, सभी लोगों को अंग्रेजी नहीं आती है, तो अंग्रेजी का महत्व ही खत्म कर दिया गया है। अंग्रेजी को केवल एक विषय के रूप में आपको पढ़ाया जाएगा। स्कूल का जबरदस्ती अंग्रेजीकरण करना, ये जो दौर था वो समाप्त हो जाएगा। मैं 6ठी में पहुंचने वाले की बात, जो छात्र जो है वो जब 6ठी में पहुंचेंगे तो उन्हें कंप्यूटर की कोडिंग सिखाना शुरू कर दिया जाएगा। जिस प्रकार चीन में बच्चों को बचपन से ही कंप्यूटर की लत लगाई जाती है, इस बीच आप भी स्पेशल सब्जेक्ट में अपनी रुचि रखते हैं, जैसे कि हम जो हमारा छात्र होगा उसे कोडिंग सिखाई जाएगी, उसे कंप्यूटर सिखाया जाएगा, क्योंकि जब बच्चे छोटे से ही ये सब चीजें सीख सकेंगे तो वो आगे एक नई उपलब्धियां हासिल कर सकेंगे। इसी बीच अगर किसी छात्र को किसी स्पेशल सब्जेक्ट में रुचि है तो उसे भी इंटर्नशिप भी कराया जाएगा, एवं कक्षा 9 से लेकर 12 तक के छात्रों के लिए सेमेस्टर वाइज परीक्षाएं होंगी। हाँ, ये एक बड़ी चेंजेस है, जो पहले जो कक्षाएं में पेपर होते थे वो उसे अब बदल दिया गया है। अब कक्षा 12वीं तक के छात्रों का जो है सेमेस्टर बेस होगा, इनके साल में 2 बार इन्हें पेपर देना पड़ेगा। सेमेस्टर के दोनों सेमेस्टर के अंक में एवं दूसरे सेमेस्टर के अंक को मिलाकर आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। इसी प्रकार ग्रेजुएशन, जैसे कि अब छात्र ने स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट कर ली, स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद अब उसे ग्रेजुएशन करना है, तो ग्रेजुएशन में भी एक नया बदलाव आया है। अब ग्रेजुएशन ऐसे होगा कि अगर आपके जैसे जो बड़े कॉलेजेस रहते हैं वहां पर मेरिट लिस्ट के आधार पर एडमिशन होता है, पर अगर आप उस मेरिट लिस्ट में नहीं है और आपको लगता है कि आपका जो 12वीं का रिजल्ट है वो कम बना है, तो आप एंट्रेंस एग्जाम से क्वालिफाई करेंगे और उससे जाएंगे। उसके बाद हम आपको बता दें कि इसमें एक और चीज है कि पहले क्या था कि अगर आपने बीच में पढ़ाई छोड़ दी तो आपका साल
खराब हो जाएगा। पर इस नई शिक्षा नीति के कारण आपको एक बड़ा फायदा मिला है कि अगर कोई छात्र एक साल की पढ़ाई करता है तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा, सर्टिफिकेट कोर्स माना जाएगा, वो उसे एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर वही छात्र उस पढ़ाई को दो साल करके छोड़ता है तो उसे डिप्लोमा कोर्स दिया जाएगा। मतलब एक तरह से देखा जाए तो उसकी पढ़ाई खराब नहीं होगी। अगर वो तीन साल में छोड़ता है तो उसे ग्रेजुएशन कोर्स दिया जाएगा, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिलेगा कि हाँ इस छात्र ने ग्रेजुएशन कर लिया है। इसी प्रकार से कई तरह की शिक्षा नीति में बदलाव किए गए हैं जिसे हमने आपके सामने विस्तार से बताया है। धन्यवाद साथियों। हमारे देश में भाषा लैंग्वेज हमेशा से एक संवेदनशील विषय रहा है। इसी एक बड़ी वजह है कि हमारे यहां स्थानीय भाषाओं को अपने हाल पर ही छोड़ दिया गया, उसे पनपने और आगे बढ़ने का मौका बहुत कम मिला। अब एजुकेशन पॉलिसी में जो बदलाव लाए गए हैं उससे भारत की भाषाएं आगे बढ़ेगी, उनका और विकास होगा। ये भारत के ज्ञान को तो बढ़ाएगी ही, भारत की एकता को भी बढ़ाएगी। हमारी भारतीय भाषाओं में कितनी ही समृद्ध रचनाएं हैं, सदियों का ज्ञान है, अनुभव है, इन सब का अब और विस्तार होगा। इससे विश्व का भी भारत की समृद्ध भाषाओं से परिचय होगा। और एक बहुत बड़ा लाभ यह होगा कि विद्यार्थियों को अपनी शुरुआती वर्षों में अपनी ही भाषा में सीखने का अवसर मिलेगा। इससे उनका टैलेंट और पुष्पवित पल्लवित होने के लिए मैं समझता हूं बहुत अवसर होगा। वो सहज होकर बिना दबाव के नई नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित होगा, वो शिक्षा से जुड़ पाएगा। वैसे भी आज जीडीपी के आधार पर विश्व के टॉप 20 देशों की लिस्ट देखें तो ज्यादातर देश अपनी गृह भाषा मातृभाषा में ही शिक्षा देते हैं। ये देश अपने देश में युवाओं की सोच और समझ को अपनी भाषा में विकसित करते हैं और दुनिया के साथ संवाद के लिए दूसरी भाषाओं पर भी उतना ही बल देते हैं। यही नीति और रणनीति 21वीं सदी के भारत के लिए भी बहुत उपयोगी होने वाली है। भारत के पास तो भाषाओं का अद्भुत खजाना है जिनको सीखने के लिए एक जीवन भी कम पड़ जाता है और आज दुनिया भी उसके लिए लालायित है। साथियों, नई शिक्षा नीति की एक और खास बात है, इसमें लोकल पर जितना फोकस है उतना ही उसको ग्लोबल के साथ इंटीग्रेट करने पर भी बल दिया गया है। एक और जहां स्थानीय लोक कलाओं और विद्याओं, शास्त्रीय कला और ज्ञान को स्वाभाविक स्थान देने की बात है तो वहीं टॉप ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस को भारत में कैंपस खोलने का भी आमंत्रण है। इससे हमारे युवाओं का भारत में ही वर्ल्ड क्लास एक्सपोजर और अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी और ग्लोबल कंपटीशन के लिए ज्यादा तैयारी भी हो सकेगी। इससे भारत में विश्व स्तरीय संस्थान के निर्माण में, भारत को ग्लोबल एजुकेशन का हब बनाने में भी बहुत सहायता मिली। हरियाणा स्वीट इस त्यौहार लेकर आए हैं आपके लिए आपकी पसंदीदा मिठाइयां, काजू रोल, मिल्क केक, कलाकंद, दादा बर्फी और भी बहुत कुछ। आप अपना ऑर्डर हमें फोन पर भी दे सकते हैं। हमारा पता है हरियाणा स्वीट्स, मेन मार्केट, सिंगरौली। कॉन्टैक्ट नंबर 9424343889 6268376474। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।